हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू मैथ्स ब्रेक। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे, बट 1.3 इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, पैरामेट्रिक फंक्शन, बट वो बाद में देखेंगे। ओके, पहले ये देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, कब यूज करते हैं इसको। देखो, कब यूज करते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ फंक्शन, अ कोशेंट ऑफ द फंक्शन। आप बोलोगे सर ये तो पहले भी देखा है, प्रोडक्ट का मतलब आप बोल रहे हो सिंपल u इंटू वी। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू मैंने x log x दिया, तो u इंटू वी यूज कर सकते हो। तो log यूज करने की क्या जरूरत है, इस log से मत कंफ्यूज होना। अगर आपको मैं x sin x भी देता हूँ, तो भी बोलोगे सर आराम से सॉल्व कर लोगे u इंटू वी से, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, ठीक है। बट अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो मैं इस यहाँ पे ई रेस टू एक्स जोड़ देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ चलो cos x ले लो, चार मल्टीप्लीकेशन, तो u इंटू वी यूज कर सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में, सेम क्वेश्चन हमारे पास u अपॉन v है क्वेश्चन के लिए, डिवीजन के लिए। तो u अपॉन v, ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ sin x अपॉन e रेस टू x सॉल्व करना है, तो सिंपल u अपॉन v यूज करोगे, करेक्ट है। बट अगर मैं आपको ऐसा कुछ देता हूँ 2x+3 raised to 4, 4x+2 raised to 3 upon 5x+3 raised to 5, इसको सॉल्व करो, तो u अपॉन v यूज करोगे, कर सकते हो, सिंपली हो जाएगा सॉल्व। देखो, u अपॉन v यूज करोगे, बट एक टाइम आएगा उसमें आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालते समय फिर से आपको u इंटू वी यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। u अपॉन v इसके लिए यूज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तब उस समय आपको u इंटू वी यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस समय हम log को बुलाते हैं, मतलब ऐसा जब कॉम्प्लिकेशन आता है तब हम log को बुलाएंगे, ठीक है। मतलब ये दो क्लियर हुए। उसके बाद फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का फंक्शन होगा तब भी हम log को बुलाएंगे, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने y इज इक्वल टू x रेस टू x दिया, तो इसको log से सॉल्व करोगे, ठीक है। बोलोगे सर इसको देखा है मैंने, x रेस टू n से सॉल्व कर सकते हो, नहीं ये गलती कर रहे हो, ठीक है। देखो, x रेस टू n में नीचे कौन होता है फंक्शन और ऊपर कौन होता है कॉन्स्टेंट, ओके सर। फिर a रेस टू x, ये भी नहीं, नीचे कौन है कॉन्स्टेंट, ऊपर कौन है फंक्शन, फंक्शन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। बट एक्स रेस टू एक्स में ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इसको मैं सिंपल बुलाता हूँ फंक्शन रेस टू फंक्शन, इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया कि यहाँ पे लॉग ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन इसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो ए रेस टू एक्स या फिर एक्स रेस टू एन इस फॉर्म में, तो इसके वजह से इसको हम लॉग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें लॉग की तीन प्रॉपर्टी यूज होंगी, उसको हम रिवाइज करेंगे। वैसे तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया उसको, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n होगा तो आप लॉग m इंटू n कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा अगर ऐसा होगा तो इस फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉग साइन एक्स इंटू, समझो यहाँ पे कुछ फाइव एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो log sin x प्लस log 5x, समझ में आया, ठीक है। मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा log में, तो हम वो एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे, log m प्लस log n, क्लियर। इसमें m कौन था ये और n कौन था ये, क्लियर। सेम वे डिवीजन भी वे लगेगा, log m अपॉन n होगा तो आप करोगे log m माइनस n, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा, log m माइनस log n, ठीक है। सेम इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करते हैं, साइन एक्स अपॉन फाइव एक्स होगा तो आप बोलोगे सिंपल है सर, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग फाइव एक्स, सिंपल, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसमें यूज होगी, लॉग एम रेस टू है, बहुत बार यूज होगी ये, ठीक है। इसमें से ये एन नीचे आता है, तो लॉग एम और यहाँ पे आएगा एन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log साइन x रेस टू, समझो ये फाइव एक्स आया, इसके ऊपर है ये साइन x के ऊपर, ठीक है, तो फाइव एक्स नीचे आएगा, तो सिंपल बोलोगे फाइव एक्स इंटू log साइन x। बस ये तीन यूज होते हैं, कौन से तीन, ये एक,
ये दूसरा और ये तीसरा, तीन लोगों को याद रखना, इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर वन, और उसमें से मैंने ये दो क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन वन टू सेम कैटेगरी के, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन वन को कॉपी करते, दिया उन्होंने वाई एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का क्यूब और एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर, ये दिया है। ठीक है, आप बोलोगे सिंपल यू अपॉन वी से हो सकता है, हो सकता है ओके, बट जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तब यहाँ पे यू इंटू वी फिर से यूज करना पड़ेगा, इससे अच्छा लॉग को बुला। लॉग को बुलाने से क्या होगा, देखो सिंपल यहाँ पे लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, और ये पूरा लॉग के अंदर जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का क्यूब अपॉन एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर, फोर ही है ना वो, हाँ ठीक है फोर है, समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, आराम से एक एक प्रॉपर्टी यूज करते जाना। यहाँ पे मुझे ये ऊपर वाला एम दिख रहा है और नीचे वाला एन दिख रहा है, सो लॉग एम अपॉन एन, इसमें क्या करते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन, सब्ट्रैक्शन होगा सिंपल, तो सब्ट्रैक्शन करो, लॉग एम, एम कौन है एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस लॉग एन, एन कौन है एक्स प्लस टू का क्यूब और एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर। ठीक है, ये बन गए लॉग एम एन। ठीक है सिंपल, ये समझ में आया। ठीक है आगे चलते हैं, ये तो फ्री हो गया, बट यहाँ पे फिर से देखो लॉग एम इंटू एन, एम इंटू एन लग रहा है, एम इंटू एन मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक गलती मत करना, क्या गलती बता था, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट में लिखना लॉग एक्स प्लस टू का क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर, ये गलती मत करना, इसको ब्रैकेट में लिखना कभी भी, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर इसका प्लस आने वाला है, अगर ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। नेक्स्ट स्टेप से आपको ये डायरेक्ट लिखना है कि ये माइनस क्यों आता है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, इतना स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करोगे, आगे मैं इस लॉग को, लॉग वाई को एज इट इज लिखता हूँ क्लियर, और इसको देखो एम रेस टू एन के हिसाब से ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, एम रेस टू एन के हिसाब से ये भी नीचे जाएगा, याद आया ना ये वाला फॉर्म, ओके इसके हिसाब से, ये समझ में आया। ठीक है, तो ये टू लॉग एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू नहीं रहे, एक्स प्लस वन, ओके एक साथ ब्रैकेट भी ओपन करो, ये माइनस कौन नीचे आ रहा है टू, सो टू टू है ना वो थ्री है शायद, एक्स प्लस थ्री रेस टू, एक्स प्लस टू रेस टू थ्री, मैंने चेंज कर दिया इसको, हाँ थ्री है, सो ये थ्री लॉग एक्स प्लस टू, हाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस लॉग फोर लॉग एक्स प्लस थ्री। ठीक है यहाँ तक क्लियर है, देखो मैंने अभी तक किसी भी स्टेप में डेरिवेटिव नहीं निकाला, अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म था मैंने उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया लॉग का यूज करके। ठीक है, ये यूज होता है लॉग का। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आराम से सोचना, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर समझो लॉग एक्स होता तो मैं बोलता वन अपॉन एक्स, समझा वन अपॉन वाई, बट क्या ये एक्स है वाई नहीं, तो ये वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे सोचना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये टू कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, समझा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, बट सोचना है क्या ये एक्स है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन, वन का जीरो तो ओवरऑल वन आता है ना, तो यहाँ पे वन लिख दो, फिर से डेरिवेटिव वन निकाला, समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस ये थ्री लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, क्या ये एक्स है नहीं, इसका डेरिवेटिव ढूंढो, एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का जीरो सो वन प्लस जीरो वन ही आएगा, समझा, माइनस फोर वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, और इसका भी डेरिवेटिव वन, क्लियर। आप सिंप्लीफाई करते जाओ, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे टू इंटू वन, सो सिंपली टू अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी थ्री आएगा मल्टीप्लाई करके, सो एक्स प्लस टू, ये क्या बन जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री, खत्म, नहीं खत्म, क्यों, क्योंकि मुझे इस तरफ सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, वाई की जरूरत नहीं है, ये वाई इस तरफ शिफ्ट होगा, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया,
ये थोड़ा सा सेग्रीगेट करता हूँ, हाँ तो y इस तरफ आएगा, सिंपल 2 अपॉन x+1 लिखोगे, -3 अपॉन x+2 लिखोगे, -4 अपॉन x+3, इसको मैंने कॉपी कर दिया फटाफट, ठीक है। आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं इस y को कन्वर्ट करूंगा किस में, इस क्वेश्चन में, सिंपल y की वैल्यू यही है ना उन्होंने दिया है, इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। तो फटाफट कॉपी करते हैं x+1 का स्क्वायर, बाद में x+2 का क्यूब और x+3 रेस्ट टू 4, और इसको लिखोगे 2 अपॉन x+1 -3 अपॉन x+2 -4 अपॉन x+3। अब आंसर ये पूरा खत्म हुआ, क्लियर, इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप, यहां से डायरेक्ट आपको यहाँ पे छलांग लगाना है, मोस्टली डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो भी चलेगा और रिड्यूस हो जाएगा ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 उठाते, इसको सॉल्व करते, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। क्या सिंप्लीफाई करोगे, आपको ये पता होना चाहिए ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को आप क्या इस तरह से लिख सकते हो, 4x-1 अपॉन 2x+3, 5-2x द होल स्क्वायर, और इसकी पावर जो होगी वो 1/3, क्योंकि मैंने क्यूब रूट के जगह 1/3 लिख दिया, ये समझ में आया, ठीक है। आगे चलते, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए लॉग को बुला, सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा कॉपी करो, 4x-1 अपॉन 2x+3, 5-2x द होल स्क्वायर रेस टू ये 1/3, ठीक है। अब क्या यूज करोगे, अब यूज करोगे m रेस टू n, लॉग m रेस टू n, समझ में आ रहा है, ये n है, ये n नीचे जाएगा, सो ये 1/3 लॉग 4x-1 अपॉन 2x+3, 5-2x। अब डायरेक्ट आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, देखो डायरेक्ट छलांग लगानी है, अब कैसे छलांग लगाओगे, सिंपल लॉग m अपॉन n लगाओगे, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट पूरा रखना है, ये ऐसे रखना, क्यों, क्योंकि 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। लॉग m अपॉन n के हिसाब से लॉग 4x-1 ये लिखोगे, ओके, उसके बाद माइनस लॉग 2x+3 और 5-2x रेस्ट टू 3, ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये पूरा एक लॉग के अंदर आएगा, पर सोचो यहाँ पे लॉग m इंटू n भी लगने वाला है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये लॉग m इंटू n भी लगने वाला है, तो लॉग m इंटू n के हिसाब से एडिशन होगा, बट यहाँ पे माइनस है, वो माइनस अंदर आएगा, मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो सिंपल 5-2x रेस्ट टू ये 3, क्लियर। अब ये 3 भी नीचे लिख सकते हो, तो ये 3 आएगा नीचे, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दी, आप अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन है, लॉग वाई, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन y dy/dx, ये समझ में आया, लॉग एक्स का 1 अपॉन x, बट ये एक्स नहीं था, फिर से डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। सिंपल 1/3 मैंने कॉपी कर दिया, अब इसके डेरिवेटिव लिखते हैं, ओके, लॉग एक्स 1 अपॉन x-1, ओके। बाद में सोचो क्या ये एक्स था, नहीं था, सो 4x-1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, सिंपल, ये 1 अपॉन x 2x+3। बाद में पूछो क्या ये x है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, सो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, और 3 का 0 भूल जाओ उसको, समझा। आगे चलते हैं, माइनस ये 3 एज इट इज, ये 1 अपॉन x, मतलब 5-2x, बट क्या x है, नहीं, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा और -2x का क्या आएगा, -2, क्लियर। तो ये बॉक्स कंप्लीट कर देता हूँ, ये डिब्बा, और 1 अपॉन y dy/dx इसको अच्छे से लिखते हैं, 1/3 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अपॉन 4x-1, सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन 2x+3, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 अपॉन 5-2x, क्लियर, ओके। इसमें से y को इस तरफ भेज दो, dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1/3, और ये डिब्बा कॉपी करना, पूरा कॉपी करना, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी बता के रखता हूँ, y के जगह मैं नहीं लिखने वाला हूँ, y के जगह आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, चलो, क्यूब रूट ऑफ 4x-1 अपॉन 2x+3, 5-2x रेस्ट टू 2, ठीक है, ये मैंने y के जगह लिख दिया, आगे कौन है, 1/3, और ये डिब्बा कॉपी करना, ये बॉक्स कॉपी करना, ठीक है। चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं, उसमें से 3 ये लिखा है मैंने, इसको सॉल्व करते हैं,
देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस वैसे भी कर सकते हो, बट अगर लॉग यूज करोगे एकदम सिंपल वैसे सॉल्व होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड करने के बाद यहाँ पे लॉग लगेगा लॉग वाई, ओके, तो इस तरफ भी लॉग लगेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू थ्री बाय टू, ये बॉक्स लिखता हूँ यहाँ पे, और साइन क्यूब टू एक्स और टू रेस टू एक्स रेस टू टू, ऐसे होगा, क्लियर। अब सोचो लॉग क्या कहता है, अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है तो लॉग उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट करो, सो लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू थ्री बाई टू, बाद में प्लस लॉग साइन क्यूब टू एक्स प्लस लॉग टू रेस टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बाद में एम रेस टू एन, एम रेस टू एन यूज होगा, ठीक है, एम रेस टू एन अप्लाई करो, सो सिंपल थ्री बाई टू नीचे आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और यहाँ पे कौन नीचे आएगा, यहाँ पे थ्री नीचे आएगा, तो सिंपल थ्री लॉग साइन टू एक्स बन जाएगा, ओके, और प्लस लॉग, यहाँ पे देखो ध्यान देना, देखो कभी भी ऐसे एक के ऊपर एक होगा तो किसको नीचे लाना है वो आराम से सोचना, देखो कैसे है? करोगे, ये लॉग है ना जी से, मतलब ओ जी से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचना, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, क्लियर, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं सिंपल इस टू को भी नीचे लाते हैं कभी कभी, ये टू रेस टू एक्स एज इट इज रखते हैं, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो नीचे कौन आने वाला है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे आएगा और ये लॉग टू बन गया, समझा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर नीचे आया और ये लॉग टू बच गया, ओके, इसको सॉल्व करते हैं, अभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लॉग वाई एज इट इज लिख देता हूँ, देखो एक लाइन में हुआ है सब अच्छे से, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे लॉग वाई का क्या बन जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, आराम से निकालना सबका डेरिवेटिव, ओके, आगे आएगा थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है लिख दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। बाद में सोचोगे क्या ये एक्स है, बोलोगे नहीं सर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है टू एक्स, और थ्री का कितना आता है जीरो, छोड़ दो उसको सिंपल, क्लियर, तो यहाँ पे टू टू तो कट गया, ओके, पहले का डेरिवेटिव आया, अब इसको सॉल्व करो, सिंपल ये थ्री लिख दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स, एक्स के जगह कौन है साइन टू एक्स, ये एक्स नहीं है इसका डेरिवेटिव, सो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टू एक्स, बट यहाँ पे और एक गड़बड़ है, कॉस टू एक्स जब बोलते हो मतलब साइन टू एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, बट क्या ये एक्स है, टू एक्स एक्स है नहीं, तो उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साथ सब डेरिवेटिव नहीं निकालते, ये समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, क्या ये एक्स था, नहीं था, तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स लिख दिया, बट क्या फिर से ये एक्स था, टू एक्स एक्स है नहीं, तो टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते समय गलती एक मत गलती मत करना कि एक्स स्क्वायर है ठीक है, यहाँ पे लॉग टू है, यू इन टू वी नहीं यूज होगा, क्योंकि लॉग टू जो है ये कॉन्स्टेंट है, लॉग टू साइड में रहेगा, चलो लॉग टू को साइड में रखते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, टू एक्स, समझा, ठीक है, इसको एक स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बचेगा क्या, थ्री इंटू वन, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ओके, ये बन जाएगा थ्री कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन तो कॉट बनता है, और ये टू एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू ना, अरे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, ये थ्री, टू एक्स का कितना आएगा, टू है, टू आएगा, ओके, टू इंटू थ्री कितना बनता है ये, सिक्स, क्लियर। आगे ये टू एक्स और ये लॉग टू, ठीक है, अब ये वाई इस तरफ भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, और ये थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सिक्स कॉट टू एक्स और टू एक्स लॉग टू, वाई के जगह क्या लिखना है, पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, वो कर सकते हो, ठीक है, बाद में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं अब नहीं लिखने वाला, समझ में आ रहा है, वाई के जगह क्या लिखना है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करो, ये बक्सा भी कॉपी करो, डब्बा भी कॉपी करो, और ये खत्म हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर फोर इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी आपको लॉग को ही बुलाना पड़ेगा, तो लॉग वाई इज इक्वल टू ये लॉग पूरा कॉपी करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू रेस टू थ्री बाई टू, और रूट में एक्स प्लस थ्री रेस टू थ्री, और कॉस एक्स रेस टू एक्स, कॉस एक्स रेस टू एक्स, इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बाद में एम अपॉन एन
एम इन टू एन ये सब यूज करना आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल देखो, पहले मैं लिखूंगा लॉग एम अपॉन एन के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू रेस टू 3/2 कर दूंगा, ये समझा? ठीक है, समझा। उसके बाद माइनस एम अपॉन है ना, माइनस लगेगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, सो लॉग रूट एक्स प्लस थ्री रेस टू थ्री। ओके, बट यहाँ पे एम इंटू एन लगेगा, प्लस आने वाला है, बट यहाँ पे जो प्लस आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, तो सिंपल माइनस लॉग कॉस एक्स रेस टू एक्स। ठीक है, ये समझा। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस होना चाहिए, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, बट ये ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस और प्लस ये माइनस बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो सिंपल ये 3/2 नीचे आएगा, 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ओके, बाद में ये थ्री नीचे आएगा, सो थ्री लॉग रूट एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे ये एक्स नीचे आएगा तो लॉग कॉस एक्स, एक्स लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो, उस तरफ कौन है, लॉग वाई, तो लॉग वाई यहाँ पे लिख देता। डेरिवेटिव निकालो, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, सिंपल। हाँ, इसका डेरिवेटिव पहले 3/2 कॉन्स्टेंट है, कॉपी करो एज इट इज, कॉपी करो 3/2 को, मैंने कॉपी कर दिया। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का 1/x, चलो 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, बट पूछोगे क्या ये एक्स है, नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, सो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, तो 2x में यहाँ पे लिख देता ना, वैसे भी इसको मल्टीप्लाई होने वाला है 2x। ओके, 2x का क्या आएगा, 2 प्लस 2, और 2 का कितना आएगा 0, छोड़ दो उसको, सिंपली यहाँ पे ये माइनस 3 कॉपी कर दिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, सो 1/x लिख दिया, बट क्या एक्स है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का क्या आएगा 1/2√x, सो 1/2√x प्लस 3 का 0, छोड़ दो उसको, समझ में आया। आगे सेम, बट यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, ये तो यू इंटू है, फंक्शन इंटू फंक्शन है, देखो ना यू इंटू वी बराबर, तो इसका डेरिवेटिव उसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा। देखो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट करने वाला हूँ, आराम से सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना। यू इंटू वी क्या कहता है, पहले यू को लिख दो, लिख दिया, बाद में वी का डेरिवेटिव निकालो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, बाद में प्लस लिख दो, ये प्लस लिख दिया, अब वी को लिख दो, वी क्या है लॉग कॉस एक्स, और यू का डेरिवेटिव निकालो, यू का मतलब एक्स का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। इस यहाँ पे पूरा काम खत्म हुआ है, सिर्फ ये करना है आपको। ओके, सो 1/y डी वाई बाय डी एक्स मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, सिंपल 3/2 टू एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं, ये 3/2 फिर से लिख सकते हो ना, 3/2 ये 3 और ये 2, और नीचे ये रूट एक्स एज इट इज, ये रूट एक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, रूट एक्स आगे और ये ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस थ्री, ठीक है, अच्छे से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। देखो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, मैं डेरिवेटिव निकालने वाला था, ठीक है, लॉग कॉस एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, बट बाद में पूछोगे क्या ये एक्स है, नहीं है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन एक्स, समझ में आया। ठीक है, आगे कौन है, प्लस, प्लस लिख दिया, बाद में इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, तो लॉग कॉस एक्स मैंने कॉपी कर दिया, और एक्स का डेरिवेटिव तो वन आता है, समझ में आया, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, ये कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फाइनल आंसर करना है बस, मेरा बोर्ड बहुत छोटा पड़ता है, चलो जाने दो। ये 3/2 टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू माइनस ये 3/2 1/√x, रूट एक्स प्लस थ्री। ओके, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस यहाँ पे सिंपल प्लस बन जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये माइनस बन जाएगा, सो सिंपल एक्स साइन एक्स आएगा, एक्स साइन एक्स अपॉन, अरे यार ऐसे क्यों कर रहा हो, सिंपल एक्स है। ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आता है टैन एक्स, समझा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस वाई को इस तरफ लेके आना है, वो आपको पता है, फिर वो मैं नहीं सॉल्व करने वाला,
ये वाई इस तरफ आएगा, पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट ये ऐसे डब्बे में रहेगा पूरा, y इस तरफ आएगा और y के जगह क्या लिखना है, ये लिखना है पूरा, इतना बड़ा लंबा आंसर बन जाएगा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मोस्टली आप कर लोगे, बट मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसको क्या करना है। ओके, पहले तो लॉग को बुलाओगे, बराबर, तो यहाँ पे लिखोगे लॉग एक्स रेस टू 5 टैन एक्स टैन क्यूब 4x और ये साइन स्क्वायर 3x। सिंपल, पहले क्या करोगे, m अपॉन n का रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, m कौन है, ये ऊपर वाला, n कौन है, ये नीचे वाला। सिंपल कन्वर्ट करो इसको, log ये बन जाएगा m x रेस टू 5 tan क्यू 4x, ओके, माइनस log साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, ये m इंटू n बन रहा है, इसमें m को n, m कौन है ये और n कौन है ये, ठीक है, ये m ये n, ठीक है, अप्लाई करो log m इंटू n, log m इंटू n क्या कहता है, log m प्लस log n माइनस log ये साइन स्क्वायर 3x, ओके। अब क्या करना है, ये 5 नीचे, ये 3 नीचे, ये 2 नीचे, ऐसे करना, सिंपल। सो 5 log x प्लस 3 log tan 4x माइनस ये 2 log साइन 3x, ओके। अब डेरिवेटिव निकालो, इस तरफ कौन है, log y, तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y dy by dx। ये तो अब दिमाग में बैठ गया है, फिट एकदम, log y का डेरिवेटिव ऐसे आता है, ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो ही, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y बोला तो सिंपल 1 अपॉन y आएगा, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही होगा। तो यहाँ पे देखो 5 कॉन्स्टेंट है, 5 को मैंने कॉपी कर दिया और log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x लिख दिया। सिंपली 3 को भी कॉपी कर दिया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, बट यहाँ पे x के जगह कौन है, tan 4x। आराम से देखना, आराम से सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। log x 1 अपॉन x, क्या ये x था, नहीं, ये कौन है, tan x है, tan 4x है, tan 4x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर 4x आएगा। फिर से एक क्वेश्चन, क्या ये x है, sec स्क्वायर x है ना, तो ये क्या ये x है, नहीं, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट 4। ऐसे आपको आना चाहिए, ऐसे स्पीडली लिखना है आपको ये डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली माइनस 2 log साइन 3x, अब ये आप बोलते जाओ फटाफट, कैसे आएगा, 1 अपॉन साइन, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट क्या ये x है, नहीं, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 3x, ओके। बाद में फिर से, क्या ये x है, 3x बोल रहे हो ना, ये x है क्या, नहीं, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, ऐसे करना है, एक के बाद डेरिवेटिव पूछते जाना है, क्या ये x है और ये डेरिवेटिव लिखते जाना है, ठीक है। चलो 1 अपॉन y, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये 5 अपॉन x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और ये sec स्क्वायर 4x और tan 4x, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट रहने दो, ऐसे ही रहने दो, हाँ, 3 2 जा 6 cos अपॉन sin, cos अपॉन sin तो cot आता है ना, ओके। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये स्टेप तो आप भी कर लोगे, सिंपल, y को इस तरफ लाना है, तो y और इसको पूरे डब्बे में लिखना है ऐसे, तो 12 sec स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x माइनस 6 cot 3x, सिंपल, खत्म हुआ, नहीं, y के जगह क्या लिखना है, क्वेश्चन सिंपल था, ओके ओके। देखो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, उसके ऊपर भी फंक्शन है, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला फॉर्म है, ओके। इसका तो आंसर, मतलब इसका डेरिवेटिव मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लॉग को ही बुलाने वाला हूँ, तो लॉग को बुलाओ, क्या बोलोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। बाद में एम रेस टू एन के हिसाब से ये नीचे आएगा, सो टी ए बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई, क्लियर। अब डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, फंक्शन रेस टू फंक्शन को आपने फंक्शन इनटू फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन में लाया इसको, तो इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, तो ये 1 अपॉन y dy by dx, ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे u इनटू v अप्लाई करो, दिस इज u दिस इज v, ओके, आराम से अप्लाई करना, पहले u को लिखते हैं, लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v लिखते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में प्लस, ओके, अब v को लिखेंगे,
वी कौन है लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ यू लिखेंगे यू कौन है टैन इनवर्स ऑफ एक्स, क्लियर। अब मैं ये ऊपर लिखने वाला, सो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या इसका डेरिवेटिव निकालना है? नहीं निकालना है, तो टैन इनवर्स एक्स एज इट इज। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो लॉग एक्स का क्या आता है वन अपॉन एक्स, तो सिंपल वन अपॉन एक्स प्लस, इसका नहीं निकालना है ओके इसका डेरिवेटिव निकालना है, हाँ टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो ऐसे आता है, लास्ट एक्सरसाइज में देखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें था, तो ये वाई इस तरफ आएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को मैंने कॉपी कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करो वन इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसको भी लॉग एक्स इंटू वन, लॉग एक्स अपॉन ये क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हुआ। नहीं, वाई के जगह क्या लिखना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो एक्स रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स, ये छोटा सा था इसके वजह से मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखने को बोला है, ठीक है, आलसी हूँ मैं, एक नंबर का इसके वजह से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो, यहाँ पे ध्यान देना दोनों भी दिख रहे सेम सेम नहीं है ओके। देखो साइन एक्स द होल होल रेस टू एक्स है, मतलब ये होल पावर है, और जो यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो सिर्फ इस एक्स की है, ये जो एक्स पावर है ये इसकी है पूरे साइन एक्स की, और यहाँ पे सिर्फ एक्स का ये एक्स पावर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। आप ये कर लोगे, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग यूज करना है, एक्स को नीचे लाना है, बाद में यू इन टू भी अप्लाई करना, आराम से कर लेना, तो ये होमवर्क आपके लिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर देता हूँ, 8 क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, लॉग बुलाओगे? नहीं, आप बोलोगे सिंपल सर लॉग बुलाओ एक्स को नीचे लाओ, ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये पूरे साइन एक्स की पावर नहीं है, ये सिर्फ एक्स की पावर है, क्लियर, ऐसी गलती मत करना, डिफरेंस है दोनों में ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे निकालेंगे, और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, तो ये मैं लिखूंगा कॉस एक्स रेस टू एक्स, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये एक्स है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग एक्स रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यहाँ पे अटक गया, क्यों अटक गया, क्योंकि मुझे एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो नहीं पता है, सिंपल, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको सेपरेट सॉल्व करूंगा, पहले क्या करूंगा इसको इक्वेशन वन लिख दूंगा, क्योंकि इसका जो कुछ भी मैं सेपरेट आंसर निकालूंगा वो यहाँ पे मैं पुट करने वाला, ठीक है। देखो सेपरेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अज्यूम करूंगा लेट यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, क्लियर, अब मैं लॉग से सॉल्व कर सकता हूँ, ये फंक्शन है रेस टू फंक्शन है ना, अब मैं लॉग को यूज कर सकता हूँ, सो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, इसमें से ये एक्स नीचे आएगा ठीक है, सो लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बनेगा, ये समझा। अब ये डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, लॉग यू का डेरिवेटिव देखो, अगर लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आता है तो लॉग यू का भी वैसे ही आएगा सेम वे ओके, लॉग यू का वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बन जाएगा ठीक है। ये यू इंटू वी अप्लाई करो, आराम से अप्लाई करना, ये यू लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में प्लस, अब वी लिखना है, वी कौन है लॉग एक्स ही है, तो लॉग एक्स लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। तो एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है वन अपॉन एक्स, ए तो कॉपी हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन उसको मत लिखना सिंपल, ये एक्स एक्स कैंसिल, और ये याद रखना बहुत बार यूज होगा, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव दिमाग में रखना बहुत बार यूज होगा डेरिवेटिव में, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन प्लस लॉग एक्स ओके ठीक है। सो ये यहाँ पे कौन है वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, ये यू इस तरफ शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे कौन बचेगा वन प्लस लॉग एक्स, बाद में मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये यू के जगह, इस यू के जगह इस क्वेश्चन को लिखना है, यू कौन है एक्चुअली एक्स रेस टू एक्स है ना, इसको कॉपी करो, तो एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ये मेरा क्या बन गया डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर ओके। इसको मैं इक्वेशन टू लिखता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में लिखेंगे ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन कहता है मैं डी वाई बाई डी एक्स ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स रेस टू एक्स है, और ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, इसका ही डेरिवेटिव ये आया, तो
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स, वन प्लस लॉग एक्स लिखना है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत बार यूज होगा एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। मोस्टली आपको ऐसी एक कंडीशन है कि बहुत लंबे क्वेश्चन हो गए, उसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ओके। हार्डली ये 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, और उसमें अगर समझो 1.5 या 2 पेज का क्वेश्चन हुआ, मतलब उतना लिखने पड़ रहा है, तो आपको ये डायरेक्ट लिखना है। वो समझ जाएगा कि हाँ बाबा आपके दिमाग में एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ये आता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उठाया। देखो यहाँ पे ना ऐसे फंक्शन एडिशन में होता है, और 1-2 फंक्शन जो फंक्शन रेस टू फंक्शन में फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है, नहीं ये एक्चुअली एक्स रेस टू एन के हिसाब से चलेगा। क्या ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है? हाँ ये है, ओके। यहाँ पे लॉग यूज करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ये सिंपल ई रेस टू एक्स है। हमें आता है डेरिवेटिव का, और इसका देखो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ये टोटल कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट रेस टू कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव सीधा 0 आएगा, ये क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे क्या लॉग लोगे डायरेक्टली? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो कैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे? जैसे आप पहले निकालते थे dy by dx is equal to, ये x raise to n के हिसाब से ये n नीचे आएगा, सो e x raise to e minus 1, ये समझ में आया, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता हूँ, तो ठीक है ऐसे ही लिख दो इसको, नहीं निकाल सकते डेरिवेटिव, ये समझा, ठीक है। e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x आएगा, e raise to e का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0, ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, तो इसको मैं पूरे इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिखता हूँ, क्लियर। अब मैं सेम वे जैसे आपके दिमाग में चल रहा है, मैं इसको u अज्यूम करने वाला हूँ और सेपरेट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इस वे में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डेरिवेटिव याद रखो, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स रेस टू एक्स, हाँ लॉग लेते पहले, लॉग एक्स रेस टू एक्स, क्लियर, ओके। ये x नीचे आएगा, चलो सॉल्व कर देता हूँ इसको, x नीचे आएगा तो x log x आएगा। अब डायरेक्ट लिखना, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx आएगा, और x log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना कितना आता है? 1 प्लस log x, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि इसका डायरेक्ट यूज करना, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू u, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा u, 1 प्लस ये log x। यहाँ पे मैंने क्या किया, u into v अप्लाई किया, ये इससे सॉल्व हुआ है, क्लियर। अब du upon dx क्या बन गया मेरा, du upon dx u के जगह क्या आने वाला है, x raise to x, तो सिंपल ये x raise to x 1 plus log x, ये अभी हमें सॉल्व किया था कि हाँ बाबा x raise to x का डेरिवेटिव ऐसे आता है, x raise to x 1 plus log x, आपको दिमाग में रखना है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, बाद में लिखो पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल टू इक्वेशन वन है ना ये, सो x रेस टू e माइनस 1, इसके जगह क्या आएगा, ये कौन आने वाला है, x रेस टू x 1 प्लस log x, ये आने वाला है। बाद में e रेस टू x मैंने कॉपी कर दिया, और 0 को नहीं लिखोगे चलेगा, सिंपल आंसर, क्लियर, ओके ओके। उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा अलग है, ओके। क्यों अलग है? देखो यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन और उसके ऊपर भी फंक्शन है, एक के ऊपर एक है, ओके। इसको भी लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो ये फंक्शन ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू फंक्शन, ठीक है। तो ये भी एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लॉग लोगे यहाँ पे तो गलत करोगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बता देता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर डायरेक्ट लॉग लेना ये, ओके। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा रूल लॉग में नहीं है। देखो मैं रिपीट करता हूँ, लॉग m प्लस n ऐसा नहीं है हमारे पास, हमारे पास ये है लॉग m प्लस लॉग n, ये फॉर्मेट में, और इसका आंसर आता है लॉग m इंटू n। मतलब लॉग प्रोडक्ट में होगा तो लॉग एडिशन में होगा, बट लॉग के अंदर 2 नंबर ऐड नहीं होते, क्लियर। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल कैसे सॉल्व करोगे? सेम वे सेपरेट अज्यूम करो, सेपरेट तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालो, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालो, बाद में कंबाइन करो, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं ऐसे एक ट्रिक यूज करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यू करता हूँ और यहाँ पे सिंपल वी करता हूँ, ये आपको पता है, ठीक है।
बाद में इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यू का क्या बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और वी का बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स। सिंपल, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला और ये इक्वेशन वन लिख दिया। क्लियर? अब मैं इसमें पूछूंगा क्या यू कौन है, तो लिखूंगा नाउ यू तो x रेस टू x है। क्लियर? क्या मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? नहीं, इसके लिए लॉग को बुलाना पड़ेगा, तो लॉग को बुला, तो सिंपल लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेस टू x। कौन नीचे उतरेगा? देखो यहाँ पे एक लाइन खींच दो और x रेस टू x नीचे आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x रेस टू x नीचे आएगा और ये सिंपल बचेगा लॉग x। अब और एक गड़बड़, क्या गड़बड़? अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। टोटल x रेस टू x का डेरिवेटिव आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लॉग को बुलाते हैं। मतलब ये जो फंक्शन रेस टू फंक्शन था उसको हमने पूरी तरह कन्वर्ट नहीं किया है। देखो, कभी भी फंक्शन रेस टू फंक्शन को, ये जो ऐसे फॉर्म होता है ना, इसको आप फंक्शन इंटू फंक्शन में कन्वर्ट करते हो, मतलब जी एक्स इंटू एफ एक्स में कन्वर्ट करते हो, तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन बचा है ना यहाँ पे, ओके? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और एक बार लॉग को बुलाओ। तो सिंपल, और एक बार टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ऑलरेडी ये लॉग यू है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग यू बन जाएगा। ये समझ में आया होगा, ठीक है? यहाँ पे लॉग लिख दिया, लॉग ऑफ लॉग यू। यहाँ पे भी सेम होगा, लॉग के अंदर x रेस टू x इंटू ये लॉग x। ये समझ में आया? लॉग के अंदर ये, ओके? हाँ, अब आराम से सॉल्व करना। ये log of log u तो मैं लिख देता हूँ as it is। इसको देखो, ये m है, ये n है, तो log m into n क्या कहता है? log m plus log n। वैसे ही सॉल्व करो, log m मतलब x raise to x plus log n मतलब log of log x। ठीक है, देखो log m log n, क्लियर है? ठीक है, बाद में ये x नीचे आएगा, so x log x और ये log of log x, सिंपल, और ये log of log u। यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज करना है आपको, डेरिवेटिव निकालो, आराम से डेरिवेटिव निकालना, गलती मत करना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालोगे? देखो, पहले मैं log x अज्यूम करूंगा, इसको log x अज्यूम करूंगा, तो log x के हिसाब से 1 अपॉन x लिख दिया, ओके? बट क्या ये x है? ये x है नहीं, तो log u का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन u और आगे du बाई डी एक्स। ये समझ में आया होगा, मैं फिर से देखो बोलता हूँ, log u, log ऑफ log u, 1 अपॉन x, क्या x है? नहीं, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। क्लियर? हाँ, अब मैंने बार बार आपको बताया, मतलब पिछले दो क्वेश्चन में बार बार बोला है कि x log x का डेरिवेटिव याद रखो, क्या आता है? 1 प्लस log x, डायरेक्ट लिखना, क्योंकि आगे आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है? प्लस इसका भी सेम वे, log x का 1 अपॉन x, बट क्या ये x है? नहीं, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x। ये समझा? log x, log ऑफ log x का 1 अपॉन log x आएगा, बट क्या ये x है? नहीं, तो log x का 1 अपॉन x, ठीक है? अब इसमें से ये दो इस तरफ आएंगे, सिंपल du by dx बचेगा, सो du by dx इस तरफ रहेगा। पहले u को लिखता हूँ, बाद में log u को लिखता हूँ, कौन कौन? ये और ये दोनों एक साथ इस तरफ, सो 1 प्लस log x प्लस इसको 1 इंटू 1, एक्स को मैं आगे लिखूंगा और ये log x। चलो, कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। u और log u की जगह क्या लिखना है वो आपको ढूंढना है, तो इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में जाओ, ऐसे 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 ऐसे, और देखो log u की वैल्यू, log u की वैल्यू क्या है? x रेस टू x log x। देखो, मैंने सिर्फ log u की वैल्यू ढूंढी, तो x रेस टू x log x इसके जगह लिख दिया। बाद में u को ढूंढो, उसके लिए भी थोड़ा सा पास्ट में जाओ और यहाँ पे देखो, ओके? u के जगह क्या आएगा? x रेस टू x रेस टू x, मैंने इसके जगह ये लिख दिया, बाकी ये डब्बा आपको कॉपी करना है, ओके? जगह नहीं बची है सेकेंड सॉल्व करने के लिए, तो इसको याद रखो, शायद होगा सेकेंड इसमें, देखते हैं, ट्राई करता हूँ। एंड एंड v कौन है? v इज इक्वल टू e रेस टू x रेस टू x, ये है, इसके लिए भी log को बुलाना पड़ेगा, सो log v इज इक्वल टू log e रेस टू x रेस टू x, समझा? इसमें से नीचे कौन आएगा? ऐसी लाइन खींच दो, x रेस टू x नीचे आएगा, सो log v इज इक्वल टू x रेस टू x नीचे और log e।
अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है लॉग ही क्या होता है, लॉग इज वन, तो सिंपल इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। तो लॉग वी इज इक्वल टू बचेगा कौन, एक्स रेस टू एक्स, बट इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, फिर से लॉग को बुलाओ, तो फिर से लॉग को बुलाया, तो यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग वी और ये लॉग एक्स रेस टू एक्स, दो बार लॉग आया, क्लियर। अब डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो, सो लॉग ऑफ लॉग वी, ओके, और ये एक्स लॉग एक्स बन जाएगा, ओके okay? इसका डेरिवेटिव सेम वे, इस वे से निकालोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला था, ये क्लियर। तो लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, समझा। बाद में क्या ये एक्स है, नहीं, तो वी का डेरिवेटिव तो वन अपॉन वी डीवी अपॉन डीएक्स आ जाएगा, और इसका तो पता है यार, वन प्लस लॉग एक्स आएगा, बहुत बार यूज होगा, क्लियर। बाद में मैं कहाँ पे लिखू, कहाँ पे लिखू, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, ये पार्ट रफ कर देता हूं। हाँ, ये दोनों इस तरफ आएंगे, सो ये एज इट इज डीवी अपॉन डी एक्स यू लॉग यू नहीं रहे, वी लॉग वी, और ये वन प्लस लॉग एक्स। बाद में आपको ढूंढना है कि वी और लॉग वी के जगह क्या लिखो, तो वी तो आपका क्वेश्चन है, कॉपी कर दो, वी के जगह ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स, और लॉग वी कहाँ पे है, ये लॉग ई रेस टू एक्स, नहीं तो ये देखो लॉग वी एक्स रेस टू एक्स, ये मत लिखना, ये भी मत लिखना, सिंप्लीफाई फॉर्म लिखना, एक्स रेस टू एक्स, तो लॉग वी के जगह एक्स रेस टू एक्स, और ये वन प्लस लॉग एक्स। क्या आंसर खत्म हुआ, नहीं, मैंने इसको इक्वेशन वन दिया था, इसमें से डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ पे मिल गया, ये देखो पूरा, ये इसको आप इक्वेशन टू दोगे, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट क्या करूँ, जगह नहीं है, सिंपल। और बाद में डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वेशन थ्री, क्लियर। देखो इक्वेशन वन, ये आपका इक्वेशन टू, और ये आपका इक्वेशन थ्री, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन वन में ये सब पुट करने वाला, ओके। जगह नहीं है, आप कर सकते हो, फिर भी मैं लिख के बता दो, थोड़ा बहुत डी ओपन डी एक्स के जगह क्या आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, ये डी ओपन डी एक्स है ना, ठीक है, ये पूरा पार्ट आएगा, तो लिख देता हूँ एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स एक्स रेस टू एक्स, और लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद जगह नहीं है, देखते हैं। अब डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स के जगह ये आएगा ई रेस टू एक्स रेस टू एक्स एक्स रेस टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स, आंसर पता है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट देखो अगर आपको ये स्टेप समझ में आते हैं ना, तो नोटबुक में एक के नीचे एक अच्छे से लिख लोगे, क्लियर। मुझे सिर्फ आपको ये सब सामने रखना है, इसके वजह से कंजेस्टेड लिखना, बस समझ में आया तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन टू में थ्री करते हैं, ये भी सेम टाइप का है, देखो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन, सेम वे यू वी एज्यूम करके सॉल्व करो, तो वाई इज इक्वल टू, ये बन गया यू, ये बन गया वी, यू माइनस वी, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डी यू अपॉन डी एक्स, और इसका डी वी अपॉन डी एक्स, सिंपल, ये तो पता है आपको, ओके। बाद में सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे नाउ u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स, ओके। आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी लॉग है, तो इस x को नीचे लाओ, नहीं, डिफरेंस है, देखो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है, मैंने बोला था लॉग m रेस टू n होगा तो n नीचे आएगा, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया है लॉग m रेस टू होल n, n नीचे नहीं आएगा, जब m की पावर n होती है तब n नीचे आता है, बट n अब बोल रहा हूँ मैं तो पूरा लॉग m की पावर हूँ तो नहीं आएगा, तो ये एक्स भी नीचे नहीं आएगा, क्लियर। तो इसके लिए लॉग तो बुलाना ही पड़ेगा, तो लॉग यहाँ पे लॉग यू इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू एक्स ऐसे आएगा, अब इसके बाद ये एक्स नीचे आएगा, सो लॉग यू इज इक्वल टू एक्स नीचे आने के बाद एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। आराम से सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे एज्यूम करोगे, इसको तो मैं यू इंटू वी एज्यूम करने वाला हूँ, ये यू और ये पूरा पार्ट वी, क्लियर। एक्स अकेला यू है और ये पूरा पार्ट वी है, सिंपल। तो डेरिवेटिव निकालो, सो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये यू कॉपी होगा, और वी का डेरिवेटिव निकालेंगे, सो वी का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिखना, टाइम बचेगा और जगह भी बचेगी, ओके। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ठीक है,
बट क्या ये एक्स है? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन गया मेरा यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, बट मुझे वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू भी तो करना है, तो वी तो मेरा ये है इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स का डेरिवेटिव तो वन आता है, सिंपल खत्म हुआ। नहीं, तो एक साथ मैं स्टेप कर देता हूँ, इसको मैं डी यू अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ और यू को इस तरफ भेज देता हूँ यू। ओके, यहाँ पे बचेगा कौन? एक्स, उसके नीचे लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? वन अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स तो कट गया, क्लियर? लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स आएगा, एक्स एक्स कट गया, सिंपल। ओके, और सिंपल यहाँ पे बचेगा कौन? लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू वन, वन को मत लिखो। ओके, बाद में यू के जगह क्या लिखोगे? यू के जगह तो क्वेश्चन लिखोगे, तो सिंपल डी यू अपॉन डी एक्स, यू है ना, यू के जगह क्वेश्चन आएगा, सो लॉग एक्स रेस टू एक्स, ब्रैकेट में ये पूरा कॉपी कर दो, वन अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, चलो ये सॉल्व हुआ, कौन सॉल्व हुआ? यू सॉल्व हुआ। अब वी को सॉल्व करते हैं, एंड वी, वी कौन है? वी इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इसको भी लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, सो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। ओके, तो ये नीचे आएगा, तो कॉट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स ऐसे आएगा, क्लियर? ये लॉग वी, अब इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, हाँ, लॉग वी का डेरिवेटिव वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, सिंपल। अब यू इंटू वी यहाँ पे भी अप्लाई करो, डायरेक्ट अप्लाई करो, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो इसका, ठीक है? तो कॉट एक्स का, कॉट एक्स तो पहले लिखोगे यू, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, बट क्या ये एक्स है? नहीं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है? ये बन गया यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, बट मुझे अभी वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू भी करना है, ठीक है? वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है? ओके, अब ध्यान देना, ये कॉट एक्स तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या आता है? साइन अपॉन कॉस तो टैन आता है, तो ये माइनस टैन एक्स बन जाएगा, माइनस वाला टैन एक्स, हाँ ये माइनस यहाँ पे जाएगा, सो माइनस ये लॉग कॉस एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे कौन है? वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स है। अब ध्यान देना, कॉट एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स इंटू टैन एक्स वन आता है, क्यों? आपको ये पता है ना, कॉट एक्स साइड में है, टैन एक्स को क्या मैं वन अपॉन कॉट एक्स लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, तो कैंसिल होता है, वन आएगा, तो ये कैंसिल हुए, सिंपल बचेगा कौन? माइनस वन, यहाँ पे कौन बचा? लॉग, इसको आगे लिखता हूँ मैं, कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ये आएगा, ठीक है? अब इसमें से v इस तरफ आया, सो डी वी अपॉन डी एक्स, वी लिख दिया, माइनस वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है? हाँ, v के जगह कौन लिखोगे? v के जगह लिखोगे आप, v के जगह लिखोगे क्वेश्चन, सो कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स। आंसर कंप्लीट हुआ? नहीं, बट आप कंप्लीट कर सकते हो, हाँ, कैसे कंप्लीट करोगे? देखो, दिस इज इक्वेशन वन, ये पहला, बाद में ढूंढो डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ पे निकाला, ये बराबर ना, नहीं, डी यू अपॉन डी एक्स तो ये निकाला, तो दिस इज इक्वेशन टू, और डी वी अपॉन डी एक्स कब निकाला? ये इक्वेशन थ्री, इन तीनों को एक साथ कर दो। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये, इसके जगह ये पूरा लिखोगे, लिख दिया, माइनस लिखोगे, बाद में डी वी अपॉन डी एक्स की जगह ये पूरा लिखोगे, ठीक है? बस खत्म कर देना। देखो, टेक्स्ट बुक में शायद पीछे इसमें से माइनस माइनस कॉमन निकाला होगा, और वो माइनस यहाँ पे रख दिया होगा, ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस माइनस वो प्लस बन जाएगा, ठीक है? इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, टेक्स्ट बुक का आंसर जो कुछ भी होगा उससे मैच करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है? देखो स्टूडेंट, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो ये तीन क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, तो आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना, खुद से करना होमवर्क, सेम वे यू वी यू वी यू वी एज्यूम करो, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, बाद में कंबाइन करो, ऐसे ही करना है।
ओके, तो ये सॉल्व करने में पूरा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, 7 को सॉल्व करते हैं। 7 और 8 दो ही क्वेश्चन बचे, इसमें बाद में लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो तीन तीन फंक्शन एक के ऊपर एक है, और ये तीन फंक्शन एडिशन में, तो सेपरेट इसको सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेट करो, पहले यू, इसको वी, और बाद में तीसरे को डब्ल्यू एज्यूम करो। इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे डी यू अपॉन डी एक्स, और ये डी वी अपॉन डी एक्स, और डब्ल्यू को डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक एक को सेपरेट सॉल्व करते हैं। पहले यू को उठाता, तो यू को उठाया, यू इज इक्वल टू कौन है, यू कौन है, 10 रेस्ट टू x, 10 रेस्ट टू x रेस्ट टू x है। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हो, लॉग को बुलाओ, तो लॉग यू इज इक्वल टू, ओके, तो लॉग 10 x रेस्ट टू x बन जाएगा। इसमें से कौन नीचे आएगा, तो x रेस्ट टू x नीचे आएगा, ऐसी लाइन खींच दो, x रेस्ट टू x नीचे आएगा, तो x रेस्ट टू x तो नीचे आया, यहाँ पे कौन बचेगा, लॉग 10, सिंपल, तो लॉग यू। देखो यहाँ पे और एक गड़बड़ है, इसका भी डेरिवेटिव मुझे नहीं पता है, x रेस्ट टू x का डेरिवेटिव मुझे पता है नहीं, तो फिर से लॉग को बुलाओ, फिर से लॉग को बुलाओ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, सो लॉग ऑफ लॉग यू ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पे लॉग के अंदर ये x रेस्ट टू x log 10 आएगा, ओके। यहाँ पे ध्यान देना, ये m इंटू n कर सकते हो सेपरेट, कर सकते हैं, सिंपल, तो log m मतलब x रेस्ट टू x प्लस log of log 10, देखो log m log n, क्लियर, इसको तो कॉपी कर दो, log ऑफ log u, ठीक है। डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना, इसका डेरिवेटिव पहले भी निकाला हमने, ये बन जाएगा 1 अपॉन log u, बाद में log u का 1 अपॉन u, और इसका du अपॉन dx ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे x लिख देता हूँ, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, और x log x का डेरिवेटिव आपको तो पता है क्या आता है, 1 प्लस log x, समझ में आया, ओके। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे ये दो सॉल्व करना है, ओके। देखो इसका डेरिवेटिव ये 10 है ना, log of log 10 बराबर, हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, जीरो लिखोगे सीधा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, तो सीधा जीरो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, इसमें से यू को पहले लिखता हूँ, और ये लॉग यू इस तरफ लिख देता हूँ, मैंने इन दोनों को इस तरफ लाया, तो ये 1 प्लस log x लिख दिया, ठीक है। मेरा आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स कॉपी करूंगा, यू के जगह क्वेश्चन कौन है ये ना, 10 रेस्ट टू x रेस्ट टू x लिखूंगा, बाद में लॉग यू के जगह, लॉग यू देखो ये लॉग यू के जगह x रेस्ट टू x 10, log 10, सो x रेस्ट टू x log 10 लिखूंगा, उसके बाद ये तो कॉपी करूंगा, 1 प्लस log x, समझा, यू और लॉग यू के जगह सिर्फ वैल्यू लिख दे। अब ये बन गया मेरा इक्वेशन 2, नॉट वन, वन कौन है, वन ये है, ठीक है। एंड अब मैं वी को सॉल्व करने वाला, वी के जगह कौन है, ये ना x रेस टू 10, इसमें भी लॉग को बुलाओ, लॉग वी इज इक्वल टू log x रेस टू 10, ये तो नीचे आएगा, सिंपल, तो ये लॉग वी मैंने कॉपी कर दिया, x रेस टू 10 नीचे आया, और ये बन गया log x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, निकाल सकते हो x रेस टू n के हिसाब से, तो फिर से लॉग को बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x है, लॉग वी का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx, और यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करो, जितना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है, और भी सॉल्व करना है इसको, ये पहले u को कॉपी कर दिया, ओके, लॉग x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, बाद में v को कॉपी कर दिया लॉग x, और x रेस टू 10 का डेरिवेटिव आता है 10 x रेस टू 9, बराबर ना, 10 नीचे आएगा, 10 माइनस 1 9, क्लियर। इसमें तो ये x गया और यहाँ पे बचेगा 9, तो x रेस टू 9, देखो ये x रेस टू 9 तो सेम है, कॉमन है, बाहर निकालो इसको, सो x रेस टू 9 को मैंने बाहर निकाला, सिंपल, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, ये 10 बचता है 10, और ये log x बचता है log x, क्लियर। और यहाँ पे 1 अपॉन v dv अपॉन dx, सो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, वी को मैंने कॉपी कर दिया इस तरफ लाया, x रेस टू 9, 1 प्लस 10, सॉरी 10
लॉग एक्स, क्लियर? ओके हाँ, अब वी के जगह क्या लिखोगे? वी के जगह तो क्वेश्चन लिखोगे ये एक्स रेस टू टेन, तो वी के जगह एक्स रेस टू टेन या एक्स रेस टू नाइन, वन प्लस टेन, अरे टेन लॉग एक्स, बार बार गलती कर रहा हूँ यार। ये आपका इक्वेशन कितना बन जाएगा? इक्वेशन थ्री, ठीक है? ओके, अब किसको सॉल्व करना है? यू सॉल्व कर दिया, वी सॉल्व कर दिया, आप डब्ल्यू को सॉल्व करना है। ओके, डब्ल्यू को मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ सेपरेट सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन है, एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स। इस तरफ भी लॉग लोगे तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स। ओके, इसमें से ये नीचे आएगा, सो लॉग डब्ल्यू एज इट इज कौन नीचे आने वाला है, ये ना, सो टेन रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका भी डेरिवेटिव जितना पॉसिबल हो सकता है डायरेक्ट लिखते हैं, तो लॉग डब्ल्यू का डेरिवेटिव वन अपॉन डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यू अपॉन यू इंटू वी, सॉरी यू इंटू वी यूज होगा, सो यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी वन अपॉन एक्स प्लस बाद में वी लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ यू टेन रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन रेस टू एक्स लॉग टेन, ए रेस टू एक्स के हिसाब से ए रेस टू एक्स लॉग ए, क्लियर? अब ये गलती मत करना, एक्स एक्स कैंसिल, ऐसा नहीं होता है। ओके, कुछ कुछ बच्चे इतनी छोटी छोटी गलती कर देते हैं। डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख दिया, ये डब्ल्यू इस तरफ आएगा, ठीक है? इसको मैं टेन रेस टू एक्स अपॉन एक्स, और इसको सिंपली ऐसा ही लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स टेन रेस टू एक्स। हाँ, इसमें से टेन रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हो, आपको चाहिए तो कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है? अब डब्ल्यू के लिए जगह कौन लिखोगे, ये लिख दिया, हाँ इसमें से टेन रेस टू एक्स, टेन रेस टू एक्स कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालने के बाद ये बाहर आएगा सिंपल, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स इंटू लॉग टेन ना, हाँ लॉग टेन, क्लियर? अब देखो ये बन गया इक्वेशन फोर। आपको क्या करना है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स ना, आपको क्या करना है, मैंने इतना तो सॉल्व कर दिया, आपको सिर्फ ये इक्वेशन की तरफ देखना है, डी यू अपॉन डी एक्स के जगह डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ पे है, कहाँ पे निकाला, ये ना, ये पूरा पार्ट उठाना है यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स, ये पूरा पार्ट उठाओ यहाँ पे लिख दो, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स ये पूरा पार्ट उठाओ यहाँ पे लिख दो, पूरा एक लंबा आंसर बन जाएगा, ठीक है? अब मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख सकते हो, इतना तो समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन टू में एट, ठीक है? ये देखो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए, इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या आपको ये सिंपल कंसेप्ट पता है कि ए रेस टू एम और ब्रैकेट के बाहर एन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आप ए रेस टू एम एन सिंपल लिख सकते हो। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, सिंपल। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, टैन एक्स रेस टू टैन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, सिंपल, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लॉग को तो बुलाना पड़ेगा, तो लॉग को बुलाते हैं, सो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग टैन एक्स रेस टू टैन स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या होगा, ये टैन स्क्वायर एक्स जो है वो नीचे आएगा, चलो नीचे भेजते हैं इसको, लॉग वाई इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग टैन एक्स, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब डेरिवेटिव निकालते हैं आराम से, जितना पॉसिबल हो सकते हैं डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि आगे जाके वैल्यू भी पुट करनी है आपको, ठीक है? तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे यू इंटू वी, ये यू बन जाएगा, ये वी बन जाएगा टोटल, ठीक है? यू इंटू वी अप्लाई होने वाला है, सो पहले यू को कॉपी कर दिया मैंने, और वी का डेरिवेटिव देखो, वी का डेरिवेटिव लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, ठीक है? बट क्या ये एक्स है, नहीं, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल। बाद में ये तो बन गया यू डेरिवेटिव ऑफ वी, अब मैं निकालूंगा वी डेरिवेटिव ऑफ यू, वी कौन है, लॉग टैन एक्स। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ यू, सोचो टैन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। ओके, टैन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं आएगा, ये एक्स रेस टू एन में जाएगा, तो टैन स्क्वायर एक्स का जब डेरिवेटिव निकालोगे, मैं साइड में बता देता हूँ, टैन स्क्वायर एक्स क्या आता है, टू नीचे आएगा, सिंपल, तो ये टू टैन एक्स बन जाएगा। बट बाद में पूछोगे क्या ये एक्स है, नहीं है, तो टैन एक्स का फिर से डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, समझा? मैंने क्या किया, एक्स रेस टू एन के हिसाब से डेरिवेटिव निकाला, टू नीचे आया, बट क्या ये एक्स है, नहीं, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर? ठीक है आगे चलते हैं।
इसमें से ये और ये तो गया, ये और इसका स्क्वायर तो गया, अब बचेगा क्या, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बट मुझे यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, देखो टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, चलो कॉमन निकालते हैं, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिंपल वन, यहाँ पे क्या बचेगा, ये टू बच रहा है, तो टू को लिखते हैं लॉग टैन एक्स, इतना पार्ट बचेगा, टैन एक्स ये पार्ट गया, तो सिंपल टू लॉग टैन एक्स। ओके सो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको इस तरफ वाई को लाना है, तो वाई को लाने के बाद टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में वन प्लस टू लॉग टैन एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करोगे, अब वो बोल रहे हैं कि एक्स के जगह पाई बाय फोर पुट करो, पाई बाय फोर मतलब 45, ओके पुट करो, तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, ऐसे नीचे लिखने, क्लियर, इस तरफ। अरे वाई के जगह मैंने नहीं लिखा, वाई के जगह क्या आएगा, ये ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे एज्यूम करना, ये लिख सकते हो आप टैन एक्स रेस टू टैन स्क्वायर एक्स, और ये पूरा डिब्बा कॉपी, क्लियर, ये समझा, ठीक है। एक्स के जगह आपको क्या लिखना है, टैन पाई, सॉरी एक्स के जगह क्या लिखना है, पाई बाय फोर, तो ये टैन पाई बाय फोर बन जाएगा, रेस टू ये टैन स्क्वायर एक्स, सो टैन स्क्वायर पाई बाय फोर, क्लियर, ये तो मैंने कॉपी कर दिया, ये यहाँ पे होगा, तो टैन एक्स ये बन जाएगा टैन पाई बाय फोर, ओके। बाद में सेक स्क्वायर एक्स के जगह पाई बाय फोर ब्रैकेट वन प्लस टू लॉग टैन एक्स, सो लॉग टैन पाई बाय फोर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लॉग पाई बाय फोर, लॉग 45 कितना आता है, वन, देखो मैं डायरेक्ट लिखने वाला, ये वन, ये भी लॉग 45 वन आएगा, वन का स्क्वायर वन, तो वन रेस टू वन सिंपल क्या बनेगा, यहाँ पे ये भी वन है, ये भी वन है, तो वन रेस टू वन क्या बनेगा, सिंपल वन लिख दिया, इसका आंसर वन। देखो सेक 45 कितना आता है, रूट टू, रूट टू, बट रूट टू का यहाँ पे स्क्वायर करना है, रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना आता है, टू, और ब्रैकेट में ये प्लस क्यू लिखा, इन टू है ना यहाँ पे, हाँ, और ब्रैकेट में ये वन प्लस ये टू लॉग टेन 45, टेन 45 की वैल्यू आएगी वन, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, ये वन लिखने की अभी जरूरत नहीं है, सो वन इंटू टू यहाँ पे टू आएगा, वन प्लस लॉग वन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लॉग वन कितना आता है, जीरो, अगर ये जीरो आ रहा है ये भी जीरो, सो ये वन प्लस जीरो बन जाएगा, सो वन प्लस जीरो इज वन, वन इंटू टू इज टू, फाइनल आंसर इज टू, क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह ये लेक्चर खत्म करते हैं, ओके बाय स्टूडेंट।